अस्सलाम वालेकुम बीबस, कैसे हैं आप सब? आज आपको जो है हम चीजी चीजी मैक्रोनीज बनाना बताएंगे, व्हाइट सॉस वाली मजेदार सी। ये मैं अपने बच्चों को बना के देती होती हूँ, आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चले शुरू करते हैं। जिसके लिए जो जो चीजें चाहिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तकरीबन हमने एक डब्बा, एक पैकेट जो है ना मैक्रोनीज का, अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। यह तकरीबन हर बंदे ही को उबालने बॉयल करने आते हैं। नमक डाल के और ऑयल डाल के बॉयल कर लिए और फिर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल लिया। जब छन्नी में डाल के 1 चम्मच इसमें सिरका जाएगा और 1 कप इसमें दूध जाएगा। दूध हसबे जरूरत, अगर और हमें पड़ा जरूरत तो हम डालेंगे। और ये जो है ना चिली सॉस है, ये मैंने घर में बनाया है, इसका भी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी। ओके, और ये हो गई चीज़, हो गई है, मैंने थोड़ी सी क्रश कर ली इसको। और ये 1/2 चम्मच नमक का है और ये 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्च का है और ये 3 चम्मच जो है मैदा है। ये जो है सोया सॉस है, ये भी 1 चम्मच जाएगा। और इसका भी जो है ये भी मैंने घर में बनाया है, इसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। और ये काली मिर्च है इसमें, ये भी हसबे ज़रूरत जाएगी। और ये ओरिगेनो है, ये भी हसबे ज़रूरत जाएंगे। और ये चिकन है, ये 1 कप हमने चिकन का ले लिया, इसको हमने छोटे छोटे इस तरह पीस काट लिए। और ये देसी घी है, तो अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन डाल लें। ये मेरे घर का बना हुआ देसी घी है, ये मैं इसमें डालूंगी। और इसका भी जो है मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी। चले ठीक है, रेसिपी की तरफ आते हैं। चले ये 2 चम्मच हमने जो है इसमें देसी घी के डाल दिए, ये हम चिकन डाल रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको इसका कलर चेंज करेंगे। ये चिकन हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, ये अब हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। ये तकरीबन 3 चम्मच थे मैदे के, इसको हम भूनेंगे इसके ऊपर जरा अच्छी तरह से, इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। जी व्यूअर्स, इसको हमने मैदे को थोड़ा सा भून लिया है, अब हम जो है बाकी चीजें इसमें डालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। और ये हम नमक डाल रहे हैं 1/2 चम्मच और ये कुटी हुई मिर्च है। ये 1 चम्मच हम जो काली मिर्च डाल रहे हैं, ये ओरिगैनो 1/2 चम्मच डालेंगे, ये सोया सॉस डाल रहे हैं। ये चिली सॉस, ये वाइट सिरका, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे हल्का सा 1-2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। दूध हम डाल रहे हैं, थोड़ा हमें दूध और चाहिए होगा। ये 1 कप दूध हम और डाल रहे हैं इसमें।
बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है इसकी देसी घी की। ये अब चीज डाल रहे हैं, देखिए इसकी बड़ी प्यारी लेयर्स बन रही हैं चीज की। बस अब हमने चूल्हा बंद कर दिया इसका। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छा इसका टेक्सचर बन गया, टेक्सचर बन गया इसका। वाओ यम्मी। अब जो है मैक्रोनीज शामिल कर देंगे। वाओ जबरदस्त, इसका साउंड आप लोगों को आ रहा हो तो बहुत जबरदस्त इसका। अब हल्का सा हम इसका चूल्हा लगा के एक आध मिनट के लिए इसको लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें चीज के लम्स आपको नजर आ रहे होंगे। आप लोगों ने जरूर ट्राई करना और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआओं में याद भी रखिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मैं अब आपको सर्व करके बताती हूँ।